नमस्कार, एमएचवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान के सभी झूठों को इंटरनेशनल कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को मानने से इनकार किया है, एक बार फिर से इस बात की बहस शुरू हो गई है कि इंटरनेशनल कोर्ट से मिले इंसाफ पर पाकिस्तान के अड़ियल रवैये की वजह से कहीं पानी न फिर जाए। तो दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का सच आ गया है। कुलभूषण जाधव मामले में भारत को बहुत बड़ी जीत मिली। 18 साल बाद एक बार फिर से पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट में भारत ने मात दी, जहां इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, ICJ के जज जस्टिस रोनी इब्राहिम ने पाकिस्तान के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कुलभूषण जाधव को जासूस बताया जा रहा था। पटाखों की यह आवाज आज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। एक बार फिर दुनिया में बजा है भारत का डंका और नापाक मंसूबों की हार हुई है। 18 साल बाद फिर भारत से हारा पाकिस्तान। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत हेग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। पाकिस्तान की दलीलों का कद भारत के तर्कों के सामने बहुत छोटा साबित हुआ है। Under the present circumstances, it is appropriate for the court to order that Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadhav is not executed pending the final decision in these proceedings and shall inform the court of all the measures taken in implementation of the present order. ये शब्द काफी हैं दुनिया के सामने पाकिस्तान की काली करतूत सामने लाने के लिए और काफी हैं ये बताने के लिए कि भारत का लाल कुलभूषण जाधव बेकसूर है, जासूस नहीं। आइए अब आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ने कैसे पाकिस्तान को जोर का झटका दिया। धीरे से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ किया कि जाधव की फांसी पर अंतिम फैसले तक रोक का हक है। वक्त के भीतर जाधव पर अर्जी नहीं दी गई। दोनों देश ये मानते हैं कि कुलभूषण जाधव भारतीय हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जाधव की गिरफ्तारी को एक विवादित मुद्दा भी माना है। भारत ने इस मामले में वियना संधि के तहत अपील की है और इस संधि के तहत भारत की मांग बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह भी साफ किया कि भारत को जाधव के मामले में काउंसल एक्सेस मिलना चाहिए था और कुलभूषण जाधव को जासूस तय नहीं किया जा सकता। ICJ ने यह भी कहा कि अंतिम फैसला आने तक जाधव मामले पर पाकिस्तान आगे कोई कार्रवाई ना करे। इसी के साथ पाकिस्तान कुलभूषण जाधव की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करे। ये वो झटके हैं जो एक के बाद एक पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट में लगे। अब साफ है कि कुलभूषण मामले में पाकिस्तान का अड़ियल रवैया गलत था। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले से पाकिस्तान को सबक भी लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएचएन न्यूज। तो सवाल उठता है कि अगर कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का क्रियान्वयन नहीं करता तो फिर भारत के पास विकल्प क्या बचते हैं। जानकारों का मानना है कि ऐसा होने पर भारत के पास सुरक्षा परिषद में जाने का विकल्प होगा। देखिए खास रिपोर्ट। हम ये आशा करते हैं कि इस पहले जरूरी कदम के बाद जो पाकिस्तान ने घोर हनन किया है उनके अधिकारों का, श्री जाधव के अधिकारों का और अंतर्राष्ट्रीय कानून का, उसको सही करने की दिशा में मदद मिलेगी। निर्णय से पूरे भारत ने और हमने राहत ली है। कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक के फैसले के बाद भारत राहत महसूस कर रहा है, वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक बार फिर नई साजिश की तैयारी कर रहा है। भारत अपना असली चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में
ठोस सबूत पेश करने की तैयारी। भारत मानवीय आधार पर दुनिया का ध्यान खींचना चाहता है। कुलभूषण की वजह से निर्दोष पाकिस्तानियों की जान गई। ये पाकिस्तान की बौखलाहट है जो कुलभूषण जाधव मामले में करारी हार के बाद सामने आई। दुनिया के सामने नापाक साजिशों की हकीकत आई तो आनंद फानन में पाकिस्तान की आकाओं ने नुमाइंदे को भेजा जो एक नई साजिश का ताना बाना सामने लेकर आया। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस मामले में भारत के पास और क्या विकल्प है। भारत के पास है सुरक्षा परिषद में जाने का विकल्प। यूएन चार्टर के मुताबिक हर सदस्य इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला मानने के लिए बाध्य है। फैसला न मानने पर सुरक्षा परिषद अन्य उपायों पर विचार करेगा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की बात भी रख सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ भारत सुरक्षा परिषद का रुख भी कर सकता है। अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर जानकारों का क्या कहना है। दिस केस इज कंसर्न्ड एंड ICJ इज कंसर्न्ड, वी शुड लुक ओनली एट द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैटर एंड सो फार एज द लीगल एस्पेक्ट्स आर कंसर्न्ड, द कोर्ट हैज अपहेल्ड इंडियाज पोजीशन on grounds of international law, on grounds of Vienna Convention, on grounds of the brief to ICJ. The order of the ICJ is commandatory and the binding upon the PAK. Not only that, but it has given a prohibitory order saying that till the final disposal of the matter before the ICJ, PAK shall endeavor that in no case Mr. Jadhav should be executed and also informed to the ICJ about the measures which are taken by the PAK. ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है भारत के लिए और ज्यूडिशियल सिस्टम के लिए, सारे वर्ल्ड के लॉ अबाइडिंग लोगों के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है और पाकिस्तान को एक बहुत उचित सबक सिखा दिया गया है कि अगर इन्होंने गलत कदम उठाए तो ऐसा ही होगा। पाकिस्तान अकेला देश नहीं है जो वियना कन्वेंशन की शर्तों का उल्लंघन कर रहा हो। ऐसे कई देश हैं जो इससे पहले ये हरकत कर चुके हैं। अब देखना होगा कि पड़ोसी मुल्क का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो पाकिस्तान की हेकड़ी एक बार फिर से सामने आई है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में भारत को एक बहुत बड़ी जीत मिली है। अब किस तरह से दबाव डालेगा भारत, और पाकिस्तान जो बार बार नकार रहा है कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, उसे किस तरह से रस्ते पर लाया जाएगा, इस पर भी चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरीश चोपड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत इस पूरी चर्चा में आपका। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं चारू प्रज्ञा जी, एडवोकेट हैं। चारू जी, आपका भी इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। चारू जी, पहले मैं आपका ही रुख करूंगा। अब भारत के पास कोर्ट में क्या क्या विकल्प बचे हुए हैं? अगर पाकिस्तान कहता है कि हम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो हिंदुस्तान क्या कर सकता है, और इंटरनेशनल कोर्ट में अब ये मामला किस तरह से चलेगा? जी, मैं सबसे पहले तो एक बात बोलना चाहूंगी कि अब तक हमारे देश की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक एक सिटीजन के लिए हमारी गवर्नमेंट इस हद तक लड़ गई है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बदलाव है जो आया है, और इस वजह से मुझे लगता है वी आर ऑलरेडी वेरी प्रोएक्टिव एंड पॉजिटिव, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी जो ऑर्डर आया है वो कम्प्लीटली हमारे फेवर में है। लेकिन इस ऑर्डर को जब पाकिस्तान मानने से मना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर इनका ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनता है, तो इंडिया के पास या तो सिक्योरिटी काउंसिल मूव करने का एक ऑप्शन बच जाता है, और उसके अलावा वेट एंड वॉच सिचुएशन है। ये देखना है कि पाकिस्तान का ये ब्लफ हम कॉल करेंगे तो वो क्या करेंगे। बिल्कुल, वेट एंड वॉच की सिचुएशन। हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब इंटरनेशनल कोर्ट में ये पूरा मामला गया था, उस वक्त आप किस तरह से देख रहे थे? क्या अपेक्षित था कि भारत का पक्ष मजबूत है, और क्या पाकिस्तान ने जो कुछ किया इस बात की भी उम्मीद लग रही थी कि पाकिस्तान कुछ ऐसा ही रुख अपनाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान का ये इतिहास रहा है कि जब भी पाकिस्तान किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को एक तरह से पराजित महसूस करता है तो पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी बौखलाहट सामने आ जाती है, और आज की बौखलाहट जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि एक तरफ जो पाकिस्तान का विपक्ष है
आप पीपीपी पार्टी का के शेरी रहमान का वक्तव्य देख लीजिए, उन्होंने इस सरकार इस काम के लिए नवाज शरीफ सरकार को दोषी ठहराया है, और जो वहाँ के पाकिस्तान के लोकतंत्र समर्थक जो हमेशा आगे बढ़ के आंदोलन करते रहे हैं, पाकिस्तान के वकीलों ने ये कहा कि पाकिस्तान का अपने लॉजिक नहीं पेश कर पाया, 90 मिनट में से 40 मिनट तो ऐसे ही उन्होंने गुजार दिए जबकि वो अपनी बात सही ढंग से रख ही नहीं पाए। और ये भी टिप्पणी सामने आई है कि पाकिस्तान ने केवल कानून के आधार पर पेश किया ये मुकदमा, जबकि भारत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मानवीय आधार पर बनाने के प्रयास किया। खैर, ये उनकी अपनी समस्याएं हैं कि वो इससे किससे निपटते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में आज जो सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की हुई है वो है 11 सदस्यीय ज्यूरी का सर्वसम्मत से एक होकर के फैसला देना, और रोनी अब्राहम जी ने एक एक बिंदु का, एक एक पंक्ति का अपने न्याय की उसमें क्या होनी चाहिए उसका पूरी तरह से जवाब दे दिया है, और ये पाकिस्तान को के लिए बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झटका है, और साथ ही भारत की से आप कूटनीतिक जीत कह लीजिए या अंतर्राष्ट्रीय जीत कह लीजिए, लेकिन मुझे विडंबना ये समझ में नहीं आती कि भारत को ये प्रयास पहले करने चाहिए थे। मुझे दुख होता है जब सौरभ कालिया के मामले में हमारी सरकारें खामोश रही, हेमराज के मामले में हमारी सरकारें खामोश रही, जब सौरभ कालिया का इतना आक्रोश इस देश में था उस बेटे के लिए, तो तब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को भारत को पहले ही जाना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन इस बारे मामले में जिस तरह से भारत ने कदम आगे बढ़ाया, इंटरनेशनल कोर्ट में बात रखी गई है। चारू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से भारत सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट में ये बात रखी, हरीश सालवे जी ने जिस तरह से बात रखी, उसे आप किस तरह से देखती हैं, क्या ये बेहतरीन था? जी जी, ये बिल्कुल बहुत, जैसे मैंने सबसे पहले ही कहा था कि पहली बार हमारी हिस्ट्री में हम इतने प्रोएक्टिव और इतने पॉजिटिव होकर अपने एक सिटीजन, एक इनोसेंट सिटीजन को डिफेंड कर रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमने सेट करा है। हमने ये दिखा दिया है कि हमारा हर एक इंसान बहुत कीमती है हमारे लिए, और ये पाकिस्तान जिस तरीके से टेररिज्म और मिलिटेंट राज एनकरेज करता है, ये बिल्कुल गलत है, और हमारे स्टैंड को इतने स्ट्रांगली सपोर्ट किया गया है इंटरनेशनल फोरम में। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जो कुछ भी हिंदुस्तान ने कहा वो बात मानी गई है। जैसे हरीश जी ने भी बोला कि अपने तर्कों के साथ एक एक पॉइंट के बारे में बताया कि क्यों आखिरकार ये सही है, क्यों आखिरकार पाकिस्तान जो कर रहा है वो गलत है, ये बात खुद जजेस ने बताई है, और सर्वसम्मति से ये निर्णय दिया गया कि फांसी तो पाकिस्तान यहाँ पर दे नहीं सकते। वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे, और हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि इस जीत के बाद कुलभूषण जाधव को वापस भारत लाने का रास्ता क्या आसान हुआ है, या पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के बाद अभी भी मुश्किलात वैसी ही हैं, और यहां पर पाकिस्तान को रास्ते पर लाने के लिए भारत को कौन से कदम उठाने होंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।